हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ जो मैं आप सभी को 1 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन रिसेंटली डी शो में पूछा गया था, तो चलिए इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है एंड हमें आई और जे ऐसे दो इंडेक्सेस फिक्स करने हैं एंड हमें आई तक का जो प्रीफिक्स रहेगा उसे -1 से मल्टीप्लाई करना है और जे से स्टार्ट होने वाला जो प्रीफिक्स रहेगा उसे -1 से मल्टीप्लाई करना है एंड हमें एरे में फाइंड करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम कौन सा हो जिसमें हमें प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करना है। चलिए इसे देखते हैं। इसमें हमारे पास ये एरे गिवन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने आई पॉइंटर रखा है -4 पे एंड जे पॉइंटर रखा है 0 पे। तो आई तक का हमारा प्रीफिक्स सम हो जाएगा -4 एंड जे से स्टार्ट होने वाला सफिक्स सम हो जाएगा 0। हम उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नया एरे बन जाएगा 42050 एंड जब हम इसका सम निकालेंगे तो वो 11 आता है जो है मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स एरे एक मेंटेन करना पड़ता है जिसमें हम प्रीफिक्स सम स्टोर करते हैं सारे इंडेक्स तक का। एक सफिक्स एरे मेंटेन करना होता है जो पीछे सफिक्स सम कैलकुलेट करेगा हर इंडेक्स तक का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने अपना आई पॉइंटर रखा है 2 पे एंड जे पॉइंटर रखा है 5 पे। तो हमारा आई -1 पीछे तक का सम जो हो जाएगा वो हम स्टोर करेंगे प्रीफिक्स ऑफ आई -1 पे एंड सफिक्स ऑफ जे +1 पे हमारा उसके आगे तक का सम स्टोर हो जाएगा एंड बीच का जो सम रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम सब एरे सम। सो मैम, हमें इस क्वेश्चन में तीन कंसेप्ट यूज करने हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और मैक्सिमम सब एरे सम। मैक्सिमम सब एरे सम हम कड़ैम्स एल्गोरिथम से इजीली फाइंड कर सकते हैं और ये तीनों का जो सम रहेगा हमें उसे मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर करना है और एंड में जो आंसर रहेगा हमें वो रिटर्न करना है। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।